ब्लेसिंग्स ठहरो कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे हो स्वस्थ हो हैप्पी हो और खुश खुश हो अपने घरों में आपकी आज की पिका का रीडिंग है कौन आ रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सुन हाँ राइट सो आपके पाइल में नेम अनिश हैं पाइल वन एंड पायल टू सही है और जिनकोली ग्रुप चूज़ करना है आज हमारे पास बहुत खूबसूरत प्यारे से बियर्स हैं टैडी बियर्स एंड ये रहे पाइल वन पिंक एंड पाइल टू वाइट ठीक है तो अपना अपना बियर चूज़ कर लें अपना अपना पाइल चूज कर लें आई सी यू ऑन योर रेडिंग आपके टाइम्स टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चेक कर ले आई सी यू तेयर हेलो पायल वन पिंक पायल कम सी के कौन आ रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में गाइस पहले बता दू मैं ये शॉर्ट रीडिंग है आप साथ साथ देखिएगा ओके बिकॉज दिस इज टू द पॉइंट रीडिंग टेन ऑफ सोड्स सिक्स ऑफ सोड्स हाई प्रेस्ट कौन आ रहा है लाइफ में स्ट्रेंथ <laughs> Ten of Wands, Ten of Cups, Eight of Cups. Who is coming? High Priestess. Okay, bottom आपके पास Two of Pentacles. Okay, pile one. Uh, पहली बात ये है कि जो uh, जो मुझे overall energy नजर आई है guys किसी ना किसी के पास्ट की कुछ एनर्जी है ठीक है Somebody फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ सबके लिए ऑब्वियसली मैसेज नहीं है लेकिन जिन जिन के लिए है उनके लिए है ठीक है आपको कोई उनकी कॉल आ सकती है कोई वो अपोलॉजी का मैसेज कर सकते हैं सॉरी का मैसेज कर सकते हैं या कुछ भी इस तरह का है यहाँ पर ये एनर्जी ये जाहिर कर रही है कि एक थकावट को न, 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 जो है वो डिनोट कर रही है एक उकताहट को थक चुके हो टेन ऑफ फैंस यू सी ये बर्डन उठाते उठाते ये बोझ उठाते उठाते कंधे पर अपने यू आर डन ठीक है और ये हालत है आपकी ना मतलब बिल्कुल एंड है आपका हिम्मत का ठीक है और कभी ना कभी कोई है यहाँ पर एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी कि मेरे होते हुए भी यहाँ पर स्टिल आप लोगों की एनर्जी है किसी की के सुसाइडल थाट्स प्लीज़ प्लीज़ फॉर हेवन सेक इस चीज़ को निकालो अपने जहन से ठीक है एंड आपको आपके पेरेंट्स ने इसलिए पैदा नहीं किया कि आप किसी तीसरे के खातर सुइसाइडल थाट्स या इस तरह हैं राइट right? तो आप स्ट्रांग बच्चे हो आप बहुत आगे जाओगे और आपका रास्ता जब ही खुलेगा जब आप अपने आप को कुछ एक वर्थ वाइल चीज़ समझोगे ठीक है चलो तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में आप ये एक सिक्स ऑफ सोर्स है एक ट्रैवल देख रही हूँ मैं किसी जगह पर आप जाओगे या ये ट्रैवल कर करके आपके ओर आएंगे ठीक है कुछ इस तरह की यहाँ एनर्जी है हाई प्रेस्ट कोई मजहबी त्यौहार आ रहा है आपका आपका जो भी रिलीजन कल्चर है उसके कोई कल्चरल त्यौहार भी हो सकता है ठीक है बिकॉज ये हाई प्रिस्ट है और ये इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजन तो उस त्योहार में आपको कोई मिल सकता है ठीक है जैसे अभी होली आ रही है उसके बाद ईद आएगी एंड उसके बाद क्रिसमस आएगा लेकिन सॉरी um, ईस्टर आएगा पहले राइट आई आई राइट क्रिश्चन माई क्रिश्चियन व्यूअर्स तो या आई एम सींग ये जो मजहबी त्यौहार तीनों इकट्ठे आ रहे हैं आगे पीछे कुछ कुछ uh, एक एक महीने का ही आई थिंक गैप है इन तीनों के बीच में ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए ठीक है और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं आपके जो ट्रेडिशनल uh, महबी त्योहार हैं वो भी बिकॉज़ इनमें आपको कोई ना कोई मिल सकता है ठीक है एंड हो सकता है किसी ने आप पे नज़र रखी हो और वो आपको उस दिन अपने दिल की बात बता दे या पहली दफ़ा वो आपको देखें उस दिन ठीक है तो ये चीज़ है guys, ये पर्सन टेन ऑफ़ कप्स और टेन ऑफ वनस टेन ऑफ सोर्स आपके पास तीन दस हैं तीन दस और इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मसला एक बहुत बड़ा साइकिल आपकी लाइफ से एंड होने जा रहा है और आप एक नई दिशा में एक नया साइकिल शुरू कर रहे हैं पहलवान ठीक है और हाई प्रिस्टिस आपको ये है कि आपको अब ये समझ आ गई हुई है कि अब आगे करना क्या है ये सारी गेम क्या है यूनिवर्स की ठीक है कुछ लोग टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले अपना करियर बनाना चाहते हैं चाहते हैं पहले कोई जॉब वॉब हासिल कर लें पे पाँव पर ख़ुद खड़ा हो जाए फिर जा कर के पार्टनर भी मिल जाएगा आपकी सोच बेहद ठीक है लेकिन हम डिवाइन इंटरवेंशन को चैलेंज नहीं कर सकते जिस टाइम डिवाइन ने इंटरवीन करना होता है आपकी लाइफ में कोई चीज़ पर्सन भेजनी होती है वो आपकी इजाज़त नहीं लेती ठीक है मतलब ऐसे नहीं होता कि जो है डिवाइन आपसे पूछेंगे हाँ भाई बताओ करियर कंप्लीट हुआ है कि नहीं अब मैं भेज दूँ नो जो डिवाइन टाइमिंग है किसी चीज़ के मिलने का उसने उसी पर मिलना है और मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई गड़बड़ होने वाली है आपकी लव लाइफ में गड़बड़ इन सेंस कि अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई मिलेगा अगर आप ऑलरेडी किसी के रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आप लोग एक लीगल रिलेशनशिप में बंधने वाले हो ठीक है तो इस तरह की सिचुएशन है इस तरह की एनर्जी है आपके और और यह पर्सन जो है बहुत स्ट्रांग है मेंटली होमली पर्सन है और ये कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको अकेला छोड़ के जाएगा यह आपको साथ लेकर के जाएगा हर सूरत सिक्स ऑफ सोर्स ट्रैवल है आप इनके घर जाओगे अपने ससुराल में जा सकते हो यहाँ ये भी हो सकता है कि आप इनके साथ कोई बाहर की कंट्री ट्रैवल करें कहीं पर सफ़र करें लाइक फॉरेन कंट्री का या कहीं पर भी ठीक है लेकिन ये सब चीज़ें वहीं तभी होंगी जब आप अपने एनर्जी ख़त्म करोगे क्योंकि बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी है बल अपने जहने जहन वगैरह अपने ठीक कर लो वरना फिर ऐसे ही बैठे रह जाओगे मैं सही बात बता रही हूँ जो कि मैं नहीं चाहती तो आ, या करियर पे ध्यान दो सब कुछ करो लेकिन जो डिवाइन आपके ओर भेज रहे हैं उसको ग्रेटफुल हार्ट से एक्सेप्ट करो सही है चलो आपके ने आपके नहीं ने, उनके नेम अनिशियल ने ने देख लें आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये कौन है साहिब या साहिबा थोड़े कम है भाई कम है हु इज दिस पर्सन ये मनीषा बाबरे आर एम एक्स देखा एक्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर लेकिन सबके लिए नहीं है जी या जेड जी ठीक है सी है और एच है यहाँ पर और वाई है ठीक है तो एच वाई हे भी बनता है हो सकता है कोई आपको हाय करे या उस तरह से किसी के साथ आपका कोई ना कोई सिचुएशन बने ठीक है चाम्स देख लें हु इज कमिंग वेरी सुन क्या एनर्जी है इनकी चाम्स आपके आए हैं तीन ही आए हैं फ्लाइंग हॉर्स बहुत जल्दी में है कोई आपके आने को वो चाहते हैं बहुत जल्दी में आए और उड़ के आए और उड़ के आपको जो है ले जाए साथ ऑलरेडी आप किसी की नज़र में हो दिस इज़ डेड श्योर आपको पता है या नहीं पता लेकिन कोई चाहता है आपकी ज़िंदगी में आना ठीक है दूसरा चाम है आपके पास मिस्टीरियस कैट एक मिस्टीरियस तरीके से पर्सन आपको मिलेगा आपको पता नहीं चलेगा इतना ठीक है और ये सरप्राइजिंगली होगा और आउट ऑफ अ सडन जैसे बिल्कुल ही कुछ पता नहीं होता और इस तरह की सिचुएशन बनेगी ईगल स्पिरिट बहुत बोल्ड है ये पर्सन ईगल की तरह जैसे ईगल धाक लगा के बैठता है ना और अपना शिकार लेके उड़ जाता है उसकी नज़र भी बहुत तेज़ होती है तो ये सोशल मीडिया का भी कार्ड होता है लाइक आई थिंक कोई टॉक करता है आपको सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल चेक करता है आपको आपकी तस्वीरें वगैरह जो है पोस्ट करते हो आपकी आ, पोस्ट वगैरह पढ़ता है इंस्टा पे या जिधर भी हो आप ठीक है इस तरह की एनर्जी है आपकी फाइल नंबर वन ठीक है तो ये जी आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी अपना ख्याल रखना है ना टेक केयर बाय हेलो फाइल टू कौन आ रहा है आपकी लाइफ में गैस क्विक रीडिंग है चंद मिनटों की आप सुन के जाइए पूरी एंड वन आपसे मिस हो जाएगा फाइल वन हु इज़ कमिंग सन एट ऑफ पेंटिकल्स एट ऑफ सॉरी थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल दोनों हैं कौन सी है ये थ्री ऑफ फैंस हु इज कमिंग क्वीन ऑफ कप्स पे ऑफ कप्स फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड और कप्स पर एक तो मैं बताऊँ आपको ये पर्सन जो है जो आपकी ओर आ रहे हैं इनका आपने बहुत देर इंतज़ार किया है इंतज़ार बहुत लंबा किया और बहुत अरसा आपने इनका वेट किया है और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आप इनको जानते हो और आप इनसे शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई और अब वो किसी ना किसी तरह से डिवाइन हो रहा है अरेंजमेंट आपकी शादी का थ्री ऑफ वनस है एंड ये अब्रॉड से भी हो सकते हैं ठीक है और बाहर से भी रिश्ता आ सकता है यहाँ कोई प्रपोज़ल आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी लाइफ में कोई आ सकता है आ, इनकी एक निशानी होगी गाइस okay, इनको पानी की जीज़, चीज़ें बहुत पसंद है पानी से रिलेटेड एनीथिंग या तो उनका घर किसी पानी के पास है बीच रिवर इसके पास यहाँ पे इनको सी फूड बहुत पसंद है या इनको बोटिंग स्विमिंग ये सब चीज़ें पसंद है पानी से रिलेटेड चीज़ें ठीक है एथलेटिक इनकी बॉडी है और किसी एक के सिलसिले में आपका एक बच्चा हो सकता है या इनका एक बच्चा हो सकता है ठीक है सबके लिए ये नहीं है गाइस ये पर्सन काफ़ी बर्कोहलिक है ये बता दो तो मैं तो पेंटिकल थ्री ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है लाइक इज ऑल इज़ ऑल इन टू वर्क हर टाइम इनको पसंद है काम करना हर टाइम इनको पसंद है काम है मगन रहना ठीक है तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है नर्चरिंग एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स आपको एक खुशखबरी मिल सकती है बहुत जल्द गुड न्यूज़ फिनेशियल हालात ठीक नहीं हैं आपकी अभी ऑफ कप्स डिसपॉइंटमेंट है आपके घर में कुछ बुरा हुआ है अभी बुरी खबर आई थी डोंट वरी एवरी थिंग विल रिवाइव हर चीज़ ठीक हो जाएगी लेकिन यह है कि हिम्मत आपने नहीं हारनी पायल टू क्योंकि हाँ हिम्मत हारने का कार्ड है आप हिम्मत हार रहे हो आपको हिम्मत नहीं आनी हार नहीं और ये कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये हमेशा के लिए आ रहे हैं ठीक है, है? आपसे ये शादी करेंगे आपके डेक के लिए हमको एनर्जी कार्ड निकालने पड़ेंगे पिछले डगपाइल पिछ के लिए नहीं थे पड़े एक्शन ठीक है ये एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ अब आपको एक्शन लेना होगा इनको आपकी ओर भाग के आ रहे हैं यांग ओ माय गॉड का स्टूंट फ्लेम हो सकते हैं या आपके जो आपके तरफ आ रहे हैं इन्होंने बहुत आपको लटकाया है पीछे बहुत इंतजार करवाया है बट राइट नाउ ये आपकी ओर आना चाहते हैं दे रियली टू टेक सीरियस सीरियस एक्शन टुवर्ड्स यू ओके स्टॉर्म वार्निंग कुछ ऐसा मैंने बताया है, घर में आपकी कोई हुई है घटना जो इन आप आपके लिए बर्दाश्त से बाहर थी बिल्कुल लेकिन इट्स ओवर नाउ ठीक है दस महीने पहले यहाँ दस महीने के अंदर अंदर कुछ हुआ था बहरहाल बड़ी काफ़ी हद हाँ तक मैं ब्लेसिंग्स दिख रही हूँ उस ग्रुप के ऊपर कि आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी हद से ज़्यादा बेहतर होने वाली है पायल टू ठीक है और ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके वर्क के थ्रू मिलेंगे जिस जो आप काम शाम करते हो यहाँ फिर हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपको आउटसाइड वैसे ही मिलें देखें कहीं पर ठीक है आपकी मदर की एनर्जी है हो सकता है आपकी मदर के थ्रू ये रिश्ता हो लेकिन है ये आपके ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट बल्कि ट्विन फ्लेम ही है ऐसे में सोलमेट क्यों कहूँ जबकि सोलमेट की एनर्जी है ही नहीं इस बायर में ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ठीक है तो उनके इनिशियल देख लूँ मैं आपको पता चल जाएगा कौन है ये साहिब या साहिबा ओके फाइल टू यू है आपके पास जी आर बी वाई ए ये तो बाय बन गया राइट right? मैंने कहा था ना किसी ने आपको गुड बाय कहा था और वो राइट नाउ दे वॉन्ट यू बैक और ये है डी और ये है पी कोई आपके डीपी वगैरह देखते हैं आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं आपकी शक्ल उनके अंदर घर कर गई हुई है तस्वीर आपकी ठीक है आपके चांस फाइल नंबर टू हु इज़ कमिंग वेरी सून हो माई गॉड ये सबसे पहला है भी एंजल विंग एंजल की बहुत बड़ी सपोर्ट है आपको पाइल नंबर टू ये आप तो ऐसे प्रोटेक्टेड बच्चों आई थिंक आप स्टार सीड हो सकती हो लाइट वर्कर या कुछ इस तरह की चीज़ हो आप स्वान वाओ लव सिंबल आपका अकेले हो आई नो लेकिन आपको आपका, आपका पार्टनर मिलने वाला है ठीक है ये आपकी तरफ आ रहे हैं ये जो स्वैन होता है ना बहुत ही लव का ये अपना पार्टनर नहीं छोड़ता आखिरी दम तक ठीक है ओह बटर ह्यूज ह्यूज बिग ट्रांसफॉर्मेशन ओ माय गॉड ह्यूज बिग ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो आई विश ऑल द बेस्ट एंड या I will see you in my next reading. Bye bye. Take care.